रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाय एम, बराबर है। बट हम किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यहाँ पे, स्पीयर का, तो आई एम राइटिंग हियर स्पीयर। तो अगर मैंने के इज इक्वल टू स्पीयर, स्पीयर का कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन मास एज इट इज, मास मास गेट कैंसिल, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5 आर स्क्वायर। तो आर बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा आर रूट 2/5। ओके, ये हो गया मेरा के, पहली वैल्यू आ गई मेरी। हाँ, अभी हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। अभी वेलोसिटी इन रोलिंग, एक्सेलरेशन इन रोलिंग, मैं लिख दूं यहाँ पे वेलोसिटी इन रोलिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन इन रोलिंग। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्या है 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया v का वैल्यू। देयरफॉर v इज इक्वल टू, जस्ट राइट इट डाउन, 2gh, सॉरी 2 आई फॉरगेट, 2gh अपॉन 1 प्लस k का वैल्यू क्या है अभी r 2/5 आर स्क्वायर, तो r का r स्क्वायर हो जाएगा और 2/5 रूट में, तो हो जाएगा इंटू 2/5 अपॉन, फिर बचा क्या r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5। ओके, ये सारा रूट में है, तो v इज इक्वल टू, थोड़ा रफ करता मैं इधर साइड में, 5 1 5 प्लस 2 अपॉन 5, तो 5 2 7 7/5 ये आ जाएगा, तो 2gh अपॉन 7/5 सॉल्व करो तो ऊपर जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh अपॉन 5/7, तो 5 2 10, तो वेलोसिटी कितना मिल गया 10gh अपॉन 7, ये आ गया मेरा फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। ओके, यह मेरा गिरा फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। ओके, फिर निकालना हमें एक्सेलरेशन का, आ गया मेरा स्पीयर, ये है मेरा स्पीयर। ओके, एक्सेलरेशन निकालना, अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आई एम राइटिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी मुझे के का वैल्यू पता है कितना है मेरा, अभी के वैल्यू आर रूट 2/5, के स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा या आर स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा क्या ए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कितना आएगा आर स्क्वायर इंटू 2/5 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, बराबर है। तो फिर बचा क्या यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, 5 1 5 5 प्लस 2 7/5, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 7/5, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5g sin थीटा अपॉन 7, ये होगा मेरा एक्सेलरेशन। देखिए अभी आपको लग रहा है इतना कि इतना टाइम लगेगा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अभी तो ये फर्स्ट टाइम था इसलिए आपको ऐसा लगा, बट मैं ये टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर फॉर्मूला नहीं याद में आ रहा तो आप उसको डिराइव कैसे करेंगे। तो आपको बस 3 फॉर्मूले पता होना, ये और बाकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेगुलरली शेप बॉडीज के लिए जो फॉर्मूले हो उसके हिसाब से आप इजीली निकल लोगे। एग्जाम में फॉर्मूले डिराइव नहीं करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर ये आपकी डिराइव हो गए तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड, रोलिंग मोशन, स्पेशली रोलिंग मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे हैं।
अभी इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों। रोटेशनल मोशन में दो थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्चुअली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेगुलर शेप बोर्ड। क्या बोल रहा मैं, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्मूला इन अ रोलिंग मोशन ऑफ रेगुलरली शेप बॉडी, जैसे स्पीयर, सिलेंडर, रॉड, हॉलो डिस्क, डिस्क, इन सब के फॉर्मूले डिराइव करने के लिए हमको जो फॉर्मूले, जो थ्योरम यूज करेंगे हम, वो है हमारे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, इसका डेरिवेशन भी है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू डिराइव फॉर्मूला बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर MHTCET, NEET एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिराइव द फॉर्मूला। ओके, कंसिडर एनी इरेगुलर शेप बॉडी, ये कोई इरेगुलर शेप बॉडी है। ओके, और ये कोई एक्सिस है पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ये कोई पॉइंट ओ से पास हो रहा है। ओके, अगर बॉडी एट रेस्ट जिसका मास एम है, एट रेस्ट बोल रहा, बस जैसे घूमना चालू हो जाएंगे तो मास बिकम इनर्शिया बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू द मास एट रेस्ट। ओके, अगर इसको ये घूम रहा है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई ओ, क्या हो गया आई ओ। अगर यही बॉडी एक एक्सिस से घूम रही है और ये पॉइंट कोई और नहीं सेंटर ऑफ मास है, क्या है सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेट, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होगा या पूरी बॉडी बैलेंस होंगी, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते। तो अगर इसको घूम रहा है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई सी। ओके, अभी ये बॉडी का एक कोई पॉइंट मास कंसीडर कर रहा मैं, ये कोई पॉइंट मास है पी जिसका मास है डीएम। नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस एच। ओके, तो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आर है और सी से लेके पी तक का डिस्टेंस आर नॉट है। ओके, ऐसा मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। नाउ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस टू एक्सिस आई ओ और आई सी, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है मोमेंट ऑफ सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, द स्टेटमेंट टोल्ड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो कितना डिस्टेंस है पैरेलल एक्सिस में, एच और स्क्वेयर, तो दैट इज I O is equal to I C plus M H square। ये फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस का।
काफी इंटरेस्टिंग है, इसका डेरिवेशन बड़ा प्यारा है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम, दैट्स वाई, अदरवाइज आई एम रेडी टू डिराइव द फॉर्मूला. ओके, तो स्टेटमेंट ये मिलेगा हमें, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, ये दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस, दैट इज एच स्क्वायर. तो होगा आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. होप सो आप सबको समझाऊंगा. मैं 10 बार एक ही बात बता रहा हूं आपको. यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे कि हम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दो ऐसे थ्योरम है जिसके वजह से हम रेगुलरली शेप बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ओके, देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एक्सिस रहेगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा. तो इसका फिर से डायग्राम बनाता मैं. कंसिडर एनी इरेगुलर शेप बॉडी, कोई इरेगुलर शेप बॉडी है. The body is rotating about three mutually perpendicular axes. Three mutually perpendicular. एक axis, दूसरा axis, okay? और तीसरा axis. No need to take that ना. ओके, अगर इसको घूमेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, इसको घूमेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, इसको घूमेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा. ओके, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो ऑब्वियस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड. मैं डायग्रामेटिकली भी ऐसे बताने की कोशिश करूंगा. ओके, ये कोई पॉइंट है पी जिसका मास डीएम है, बॉडी का मास एट रेस्ट एम है. ओके, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है पी, ये मास है डीएम. तो ऑब्वियस है अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया आर. ओके, और अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया ये, तो और वाई एक्सिस से हो गया ये, बराबर है. ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है. अगर ये डिस्टेंस x को परपेंडिकुलर है तो ये हो गया x. ओके, ओके, अगर ये इसको y को परपेंडिकुलर है, ये अगर y एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हो गया y. ऑब्वियस है अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन वंस, काफी चीजें बोल दिया मैं यहां पे. ओके, कम टू द टॉपिक. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता रहे हम, ये कोई इरेगुलर शेप बॉडी है और ये इसके तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है. आई एम कंसिडरिंग वन बॉडी, let us consider this body. Okay, now this body is rotating about three axis.
अगर हम ये एक्सेस कंसिडर कर रहे, तो अगर एक्सेस है तो बॉडी ऐसे घूम रहे हैं, एक एक्सेस हो गया, ओके। अगर ये इसका ऐसा एक्सेस हो गया तो बॉडी खुद ऐसा भी घूम रहा है, बराबर है, ऐसा अलोंग दिस एक्सिस, ओके। अगर यही बॉडी है तो पहले ऐसा हो गया एक्स वाई, ओके। अभी जेड के लिए अगर कंसिडर करें तो ऐसा, तो यही एक बॉडी तीन अलग अलग एक्सिस के लिए रोटेट होगी, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द थ्योरम स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मींस ऐसा इसका कहना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, लेट अस कंसीडर वाई एक्सिस, इज नथिंग बट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और अगर मैं z एक्सिस कंसिडर करूं तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। या मैं आई एक्स कंसिडर करूं तो हो जाएगा आई जेड प्लस आई वाई, कोई भी। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। अभी इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा रेगुलरली शेप बॉडी। अभी बात है इसी रेगुलरली शेप बॉडी, ये टॉपिक अप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है, इसको डिराइव भी किया जाता है, बट इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। सो आपके पास MSTCT, JEE, NEET जितने भी बुक्स है, MSTCT वाले स्पेशली जो उनका NCERT स्टेट बोर्ड का बुक है, उसमें रेगुलरली शेप बॉडीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसमें सबसे पहला रॉड है आपका, फिर रिंग है, फिर डिस्क है, फिर सिलेंडर है और स्पीयर है, ऐसे पांच रेगुलरली शेप बॉडी है। तो CET वाले ये पांच चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, नीट वालों के लिए बहुत सारे रेगुलरली शेप बॉडीज है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ओके। तो वो उतने सारे बॉडी के ऊपर भी जा सकते हैं, ओके। तो उसका फॉर्मूला डिराइव होगा, ओके, और वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें से मैं कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करता कि रेगुलरली शेप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेशली रिंग का कैसे आता परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के लिए, ओके। और फिर उसके बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक रहेगा, पे अटेंशन। एप्लीकेशन, ओके। उसमें से जैसे पहला है रॉड, तो रॉड के बारे में बता दूं मैं। अगर हम एक रॉड कंसिडर करेंगे, ओके, और ये रॉड का सेंटर, सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी इसको रोटेट हो रहा है, ओके, अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मास, इसका लेंथ है एल, तो इसका फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर होता है, एम एल स्क्वेयर बाय 12, ओके। ये पहला केस है जिसके ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा जो कि बहुत बार यूज किया है, अगर ये रॉड है और ये रॉड अलोंग एक्सिस कोई पॉइंट से घूम रहा है, एनी पॉइंट लास्ट ओ, ओके, सॉरी आई ओ अगर मैं बोलता हूँ इसको, और ये इसका लेंथ है L, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ओ इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, ओके। ये इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है रॉड के, ओके। आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारे रेगुलरली शेप बॉडी है। रिंग की अगर बात करूं मैं, ओके, रिंग का अगर ये रिंग है, ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, इसके सेंटर से पास हो रहा है सी,
ओके, तो मोमेंट ऑफ पासिंग थ्रू सेंटर इज नथिंग बट द एम आर स्क्वायर। क्यों एम आर स्क्वायर ना, इसका मैं हिंट भी बता दूं। अगर रिंग कंसिडर कर तो अरे टॉप मास दूर का एक मास कंसिडर कर एम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर ही होता है ना, तो एम ये डीएम है पॉइंट मास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एम आ जाएगा पूरे रिंग का, और आर डिस्टेंस है जो कि कॉन्स्टेंट है रिंग का ओवरऑल, तो इंटीग्रल डीएम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इन डीएम का इंटीग्रेशन एम और आर स्क्वायर का आर, तो यही आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपका दूसरा बॉडी है, ये रिंग है पासिंग थ्रू सेंटर, अगर कोई लाइन उसके सेंटर से पास होती है तो हो गया उसका डायमीटर आई डी। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज नथिंग बट द हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकलता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से ये निकलेगा। ओके, फिर एक लेते हैं हम रिंग, ये एक, और इसी में मैं चौथा यहाँ पे कंसिडर करता, ये भी रिंग है। ओके, अभी रिंग से एक्सिस टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है तो दो चीजें जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, लेट अस कंसीडर दिस इज अ रिंग, ये रिंग है और एक्सिस है, और एक्सिस को परपेंडिकुलर है, अभी ये एक्सिस ये रिंग को परपेंडिकुलर है, अगर ये रिंग को परपेंडिकुलर तो ऐसा रोटेट हो रहा है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रिंग, क्या बोला मैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रिंग, तो ये ऐसा घूम रहा है। ओके, और टेंजेंट पैरेलल टू द रिंग अगर ऐसा है तो ये हो गया, पैरेलल टू द रिंग के लिए बात कैसे होगी, तो कैसे घूमेगा ये, ये ऐसा है, ऐसा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ओके, यू गेट माय पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल, तो पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला है और परपेंडिकुलर के अलग फॉर्मूला है, तो ये यहाँ पे है टेंजेंट, ये सेंटर, ये रेडियस। ओके, ये टेंजेंट पैरेलल कहा लिखो, पैरेलल ये सेंटर, ये आर, ये क्या है टेंजेंट परपेंडिकुलर। ओके, टेंजेंट परपेंडिकुलर है यहां पे, ये पैरेलल है, तो ये दोनों केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे। अगर टेंजेंट पैरेलल है तो इसका फॉर्मूला है, अगर ये पॉइंट आयो बोलता हूं मैं एनी पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और अगर परपेंडिकुलर है तो आई पी, अगर मैं बोलूं इसको तो ये हो जाएगा इसका 2 एम आर स्क्वायर, कितना होगा 2 एम आर स्क्वायर। अभी कैसे आता ना ये भी मैं बता सकता आपको, ठीक है, सी अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से सेंटर थ्रू पास हो रहा है तो ये पैरेलल है, बराबर है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ओके, सही है, अभी इसको आई बोलो, तो बात है आई इज इक्वल टू आई सी पासिंग थ्रू सेंटर, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या है एम आर स्क्वायर प्लस एम एज इट इज। अगर मैं एच की बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस नथिंग बट द आर है यहाँ पे, तो हो गया आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर क्या हो गया 2 एम आर स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला। सी बात समझ रहे हो, मैं पहले ही बोला कि पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों यूज करते हैं हम, तो रेगुलरली से बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने बस दो ही बताया रॉड और रिंग के बारे में, ऐसे बहुत सारे रेगुलरली से बॉडीज है, रॉड है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, स्क्वायर है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, देर आर सो मेनी रेगुलरली से बॉडी, और उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बॉडी है उसको आपके फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। ओके, तो
मैं एप्लीकेशन पार्ट्स में इतना ही आपको बताने जाता, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन लेंगे हम उतने कम है, और वो फॉर्मूले आपको लर्न ही करना है मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. 5 to 10 minutes वी हैव टू टेक ओनली, पे अटेंशन. एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय L. सबको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रफ में लिखता हूं मैं. ओके, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अगर ये कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये मूव हो रही है वेलोसिटी v से, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है मास इंटू वेलोसिटी नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. ओके, p इज इक्वल टू mv, सबको पता है. मैं पहले ही बोला इट इज एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ एंगुलर. तो अगर ये बॉडी है रोटेट हो रही है जिसका इनर्शिया आई रहेगा, ओके, और जो घूमेगा उसकी वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, तो यहाँ पे पी के जगह हम यूज करेंगे एल, मास की जगह होगा इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह ओमेगा. याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर एंगुलर रोटेशनल मोशन का अगर फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो आई एनालॉगस टू मास, तो जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ इनर्शिया लेंगे एंगुलर में और रोटेशनल में, और जहाँ वेलोसिटी है वहाँ लेंगे ओमेगा. ओके, ये तो हो गया, बट डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से अगर बताने की कोशिश करूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से होगा. ये तो याद रखने के लिए है. कंसिडर इरेगुलरली शेप बॉडी, ये कोई इरेगुलर शेप बॉडी है रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, यहाँ से पास हो रहा है. ओके, अगर बॉडी ये एक्सिस के अलोंग रोटेट होगी तो इसका होगा आई ओ, बॉडी का मास एम एट रेस्ट. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर मास एम वन एम टू M3, M4 and M5. Okay. So M1, M2, M3 up to Mn be the masses and R1, R2, R3, R4, R5 be their respective distance from the axis of rotation. Now the body is rotating with angular velocity omega. Angular velocity omega. ओमेगा से अगर रोटेट हो रहा है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया. ओके, तो इसको डिराइव अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर, तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का एक्सप्रेशन निकाला था, बस उसी तरीके से निकलेगा. और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर जो है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. ओके, क्या है मैं लिख दूं यहां पे, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. ये रिलेशन का यूज करके आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि रहेगा एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू इनर्शिया I इंटू ओमेगा. सो I इज इक्वल टू सॉरी L इज इक्वल टू I ओमेगा. ये फॉर्मूला है आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है वह एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसका स्टेटमेंट अलग है, फॉर्मूला अलग है और कंसेप्ट अलग है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट टेक्स 5 मिनट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल का आपका क्वेश्चन भी हो सकता है वो. ओके,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।